का नाम है बोलती कहानियां बाय कविता भट्ट, हिंदी स्टोरी टेलर हूँ मैं। आज मुझे दीपाक्षी शर्मा जो यहाँ रेलवे म्यूजियम में काम करती है, मेरे साथ पढ़ी लिखी की है, हमें साथ नौकरी भी की है, तो इन्होंने मुझे इन्वाइट किया है स्टोरी सुनाने के लिए। तो रेलवे है और वुमेन्स डे है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि मैं ट्रेन और एक वुमेन को साथ में जोड़ के एक प्यारी सी कहानी आपको सुनाऊं। कहानियां बहुत है इस टॉपिक पे, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगी, जो सुनाई जानी चाहिए, वो है रस्किन बॉन्ड की कहानी द नाइट एट थियोरी स्टेशन। ये कहानी एक प्रेम कथा है, प्यार की कहानी है और प्यार के बहुत ही अलग पहलू को आपको दिखाती है। क्या होता है जब हमें किसी से प्यार हो जाता है, चाहे लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से, तो हम उसमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। हमें अगर किसी से प्यार हो गया, हम उससे मिलना चाहेंगे, उससे बातें करना चाहेंगे, उसके बाद और आगे उसकी कोई एंड नहीं होती। और आजकल के माहौल के हिसाब से अगर आप देखें तो एक स्टेज में जाके वो प्यार खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी वो प्यार खत्म हो जाता है और फिर शुरू होता है डिप्रेशन का फेज। तो रस्किन बॉन्ड ने जो कहानी लिखी है, ये आपको प्यार का एक बहुत दूसरा पहलू दिखाएगा। होता क्या है, ऑथर जो कहानी का लेखक है रस्किन बॉन्ड, वो खुद बोल रहा है कि बचपन में जैसे हम सब जाया करते थे, वो भी अपनी दादी के घर जाया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में। उनका जो कॉलेज था वो था दिल्ली में, और दिल्ली से वो देहरादून जाते थे पढ़ाई अपने दादी के पास हर सेमेस्टर के बाद। जब वो जाते थे, ये जो ट्रेन होती थी ये रात की ट्रेन होती थी, और रात के समय सुबह 5 बजे के आसपास एक स्टेशन आता था, उस स्टेशन का नाम था दियोली। जैसे ही ट्रेन वहां रुकती थी, हैरानी की बात ये थी कि उस ट्रेन से ना कोई चढ़ता था ना कोई उतरता था, लेकिन उस ट्रेन में एक खिंचाव था, कुछ अट्रैक्शन था उस स्टेशन दियोली स्टेशन में। और उस स्टेशन के चारों तरफ जो है पूरी बड़ी बड़ी दीवारें थी, तो लेखक को एक क्यूरियोसिटी थी कि इस स्टेशन से ना कोई चढ़ता है ना कोई उतरता है, तो इसके पीछे क्या होगा, क्या रहस्य है इस कहानी का। तभी वो देखता है दोस्तों कि जब उसकी एक बार ट्रेन वहां पे रुकती है, बिल्कुल धुंधला ठंडा सा मौसम है, धुंध है, और उसके बीच में से निकल के आती है एक लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की। लेखक ट्रेन में अपनी विंडो सीट पे बैठा हुआ है और उस धुंध के बीच में से उसको वो लड़की दिखाई देती है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं बहुत, मतलब देख के लगता है कि थोड़ी सी गरीब लड़की है। सिर पे टोकरी लिया हुआ है और उस टोकरी के अंदर बहुत सारी टोकरियां हैं। लेखक उसको देखता चला जाता, अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाता है, और वो लड़की जो है इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसके पास आ जाती है। आने के बाद ये उसको बोलती है कि भैया एक टोकरी खरीद लो। ये कहता है मुझे टोकरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो फोर्स करती है और उसको एक टोकरी खरीदवा के रखती है। लड़का उससे टोकरी ले लेता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें जो है ना उस लड़की से हट नहीं रही है। वो इतना मंत्रमुग्ध हो गया उस लड़की को देख के कि वो उसे देखता रहता है, और लड़की से कहता है कि मैं 15 दिन के बाद छुट्टी मना के वापिस आऊंगा, क्या तुम मुझे इस स्टेशन में फिर मिलोगी। लड़की उसे हाथ का इशारा करती है, बस उस लड़की की जिंदगी पलट जाती है, और उसके बाद उसका हंसना नहीं बंद होता। आप समझ सकते हैं जब प्यार होता है, आप सब यंग है, कैसी फीलिंग होती है, कितनी खुशी होती है। वो लड़का फिर पूरे सपनों की दुनिया में 15 दिन अपने निकाल के आता है, और 15 दिन के बाद जब वापस आता है तो स्टेशन में फिर उस लड़की को खड़ा पाता है। वो लड़की उसको फिर फोर्स करती है कि क्या आप टोकरी लोगे, तो वो कहता है कि टोकरी तो नहीं लूंगा, लेकिन तुझसे एक वादा लेना चाहता हूं कि क्या जब मैं अगली बार आऊंगा तो तू मेरे साथ दिल्ली चलेगी। लड़की स्टेशन में, मतलब टाइम बहुत कम है, ट्रेन चलने वाली है, लड़की से हाँ करती है और लड़की की ट्रेन चलने लग जाती है। लड़का ट्रेन में बैठता है और दूर तक उसको देखता रहता है। समय बढ़ता है, लड़का वेट कर रहा है जल्दी से सेमेस्टर खत्म हो और मैं जाऊं, और इस बार तो मैं उस लड़की को अपने साथ ही लेके आऊंगा, चाहे मुझे देहरादून ले जाना पड़े चाहे मैं दिल्ली ले आऊंगा। वो उस स्टेशन में पहुंचता है और उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को ढूंढ रही है। पूरी जगह ढूंढने के बाद उसे वो लड़की नहीं मिलती। वो स्टेशन मास्टर के पास जाके पूछता है कि क्या आपने देखा है उस टोकरी वाली लड़की को। बुजुर्ग से होते हैं, अपने काम से थके हुए होते हैं, बहुत तेज गाड़ देते हैं, क्या तुम यहाँ पे लड़की देखने आते हो, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। लेकिन एक यंग लड़का वहां पे होता है और वो कहता है हाँ साहब वो लड़की थी, लेकिन काफी टाइम से वो अब नहीं आ रही।
लड़का हिम्मत नहीं हारता है, सोचता है छुट्टी खत्म होगी आऊंगा, और किसी तरह उस लड़के को कहता है कि कभी मिले तो मेरा मैसेज उस तक दे देना कि मैं उसका इंतजार करूंगा इस तारीख को। तारीख होती है, वो लड़का वापस आता है, लेकिन वो लड़की उसे उस दिन भी नहीं दिखती। अब यहाँ दो चीज हो सकती है, कई बार इस बीच वो आता है जाता है आता है जाता है, लेकिन वो लड़की उसको दोबारा कभी नहीं। एक बार पत्र ये जो लेखक है वो ये सोचता है कि मैं ट्रेन से उतर जाऊं, इसी जगह को अपना डेस्टिनेशन बना लूं, और ये जो रहस्यमय दीवारें हैं शहर के चारों तरफ उसके अंदर जाऊं और लड़की को ढूंढूं और ढूंढ के उससे शादी कर लूं। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो अच्छा दिल होता है वो उसको सलाह देता है कि ऐसा मत कर। क्यों? क्योंकि उसको ये ख्याल आता है कि मैं जाऊंगा, अब बहुत साल हो चुके हैं उस लड़की को मिले हुए, वो लड़की बड़ी थी उम्र में, हो सकता है अब उसकी शादी हो गई हो, वो घर बसा के बैठी हो, मैं जाके उसके लिए भी दिक्कतें खड़ी कर दूं और वो लड़की मुझे देख के शायद अपने परिवार से मुंह माया छोड़ दे, तो उसके परिवार में भी दिक्कत होगी और मेरा मन भी अशांत हो जाएगा। तो ये जो एक प्योर शुद्ध प्यारा सा प्यार था उसका एक बहुत ही गंदा फेज हो जाएगा, बुरा हो जाएगा वो प्यार। तो अपने दिल को समझाते हुए, अपने दिमाग को अपने में कंट्रोल करते हुए वो वापस आके ट्रेन में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। तो इस कहानी में लेखक ने हम सबको समझाने की कोशिश की है कि प्यार में कभी दौड़िए मत, भागिए मत, प्यार में थोड़ा सा सब्र करना सीखिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को भी अप्लाई करना सीखिए, सिर्फ दिल की मत सुनिए, क्योंकि प्यार के बहुत अच्छे अच्छे रूप भी होते हैं, वो बाकी आपकी मर्जी है कि आप उसको देखना चाह रहे हैं या जल्दी 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 निपटा के खत्म करना चाह रहे हैं।